बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में एक लड़की थी। दूसरे बच्चों की तरह उसको भी खेल कूद में बहुत मज़ा आता था, और बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। तेज़ बारिश हो या तेज़ धूप, बच्चों को तो बस खेलने से ही मतलब होता है। सख्त गर्मियों का मौसम था और दोपहर का वक्त था। नूर अपनी कज़न शहाना के साथ उस जगह गई जहाँ वो हमेशा खेलने जाते थे। वो जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर थी और वहाँ पर एक दरख्त था जहाँ पे बच्चियों ने खेलने के लिए एक झूला लगाया हुआ था। वैसे तो उस दरख्त के पास हमेशा ही लड़कियाँ मौजूद होती थीं, पर आज जैसे ही नूर और उसकी कज़न वहाँ गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, आज हम खुद ही मज़ा करेंगे। और नूर जल्दी से जाकर झूले पर बैठ गई और इस बात पर शहाना को बहुत गुस्सा आया। शहाना ने नूर से कहा कि पहले मुझे बैठने दो, पर नूर ने उसे नहीं बैठने दिया और शहाना गुस्से में चली गई। नूर को ये एहसास ही नहीं हुआ कि नूर वहां पर अब अकेली रह गई थी। अचानक नूर को महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई झूले दे रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो और तेज हवा में जा रही थी। अब वो खुद भी डरने लगी थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। नूर वहां पर चिल्लाने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता। नूर को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वो अचानक से उस झूले से गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में है, पर वो कुछ बोलने या कुछ करने की हालत में नहीं थी। वो सबको बताना चाह रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसके माँ बाप ने हर डॉक्टर हर हकीम से बात करके देख ली, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। और एक दिन नूर के बाबा किसी बुजुर्ग को लेकर आए और उस बुजुर्ग ने उनको बताया कि नूर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो पूरी तरह गैब के कब्जे में आ गई है। फिर भी उस बुजुर्ग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो नूर को बचा ले, पर कुछ दिन बाद ही पता चला कि नूर अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनने में कुछ यूं आया कि मरने से कुछ देर पहले नूर बिल्कुल सही हो गई थी और उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। और आखिरी बात जो उसने बताई वो ये थी कि कोई उसके कान में रोज कहता था कि मौत का कोई इलाज नहीं।